आज तारीख है 17 मार्च और सुबह के लगभग 4:15 हो गए हैं। मैं इस वक्त दिल्ली IGI टर्मिनल 1 पर हूँ और यहाँ से हम लोग फ्लाइट पकड़ेंगे और उसके बाद बेंगलुरु में उतरूँगा और बेंगलुरु के बाद मेरा सफ़र शुरू हो जाएगा कर्नाटक का। लगभग 20 दिन का ये सफ़र रहने वाला है। इस दौरान कर्नाटक के हर गांव और हर डिस्ट्रिक्ट तक मैं जाऊंगा और उस दौरान जो भी कुछ होगा वो सब देखेंगे। मुझे भी नहीं पता कि क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ प्लानिंग तो नहीं की हुई, लेकिन हाँ ये कर्नाटका का मेरा चौथा और इलेक्शंस पर्पज से मेरा तीसरा ट्रिप है। ये एक तरह की ब्लाइंड ट्रिप होने वाली है। आइए चलते हैं। मेरी फ्लाइट का जो है अब टाइम हो गया है। लगभग 9:30 बज चुके हैं और मैं बेंगलुरु एयरपोर्ट पे अभी आ चुका हूँ। ये देखिए ये बेंगलुरु एयरपोर्ट है और मुझे जाना है 5 नंबर बेल्ट पे। मेरा जो सामान है वो 5 नंबर बेल्ट पर आएगा। गाड़ी में मैं बैठ गया हूँ और यहाँ से मैं आगे का सफ़र तय करूँगा। मेरे साथ ड्राइवर सर, क्या नाम है सर आपका? शरत मेरे साथ है और शरत इस सफ़र में मेरे साथ रहने वाले हैं और अब एयरपोर्ट से हम लोग बाहर निकल गए। केपागोडा का आप देखिए कितना बड़ा फोटो है। तो मैं अब नाश्ता करूँगा थोड़ा, तो मैं एक रोड साइड में रुका हूँ। अब देखिए कितनी साफ सुथरी सी दुकान है ये और यहाँ पे मैं पूरा वेज खाऊँगा। ये आप देखिए मैंने ये डोसा ऑर्डर किया है, देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे, मुझे भी नहीं लगा, लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी तो मैं खा रहा हूँ। ये एक टेम्पू है, उस टेम्पू के अंदर आप देखो पूरा खाने का सामान है। चावल है, अचार, दाल, दही, ये पकोड़े हैं और आज मैं यही ट्राई करने वाला हूँ। दोपहर के 3:30 बज चुके हैं। बेंगलुरु से बेल्लारी जो है वो लगभग 300 किलोमीटर के आसपास है, 280 के आसपास अराउंड है। तो अभी अमूमन 120-30 किलोमीटर और बचा हुआ है, 102 किलोमीटर। सामने मुझे बोर्ड दिखा है 102 किलोमीटर का, आपको भी दिखाता हूँ। 5 घंटे के सफ़र के बाद 300 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद मैं फाइनली बेल्लारी पहुँच गया हूँ। बेल्लारी मेरा आज का पॉइंट रहने वाला है। बेल्लारी के बारे में अगर बताऊं मैं तो बेल्लारी जो है स्टील सिटी है, यहाँ पे स्टील काफ़ी ज़्यादा बनता है। जिंदल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी यहीं लगी हुई हैं, ऐसा मुझे अभी तक जानने को मिला है। बाकी बेल्लारी में एक फोर्ट भी है और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में ही हम्पी टेम्पल भी है। तो बेल्लारी का फोर्ट और हम्पी टेम्पल जो है सबसे बड़े दो हमारे विजिट करने वाले पॉइंट रहने वाले हैं बेल्लारी के अंदर। We'll be right back.
ये है खूबसूरत बेल्लारी का रेलवे स्टेशन। ये सामने छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो, वो जो दूर पहाड़ आपको दिख रहा है ना, इस पहाड़ के ऊपर ही है बेल्लारी का फोर्ट, जो कि हम कल देखेंगे। और ये हमारे सामने हमारे देश का गौरव, भारतीय रेल, देश की लाइफलाइन। दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं निकल चुका हूँ। अभी मेरा पहला पड़ाव जो रहेगा वो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर संदूर का रहेगा। आप शायद पता नहीं देख पा रहे हो, लेकिन सामने बहुत बड़ा देखो धुएं का गुब्बार है। वो कोई बादल नहीं है, ये माइनिंग हो रही है यहाँ पे। बारिश तेज हो गई, बारिश की बूंदों की आवाज, मिट्टी की खुशबू, पहाड़ी एरिया, कर्नाटक की धरती। बारिश रुकने के बाद शानदार धूप खिल गई है। अब दिखेगा आपको थर्मल प्लांट सामने ही देखें। वेलकम टू जिंदल विजयनगर एयरपोर्ट। आप देखिए एयरपोर्ट है ये, विजयनगर जिंदल एयरपोर्ट सामने आपको दिखा रहा हूँ। देखो मैं सही बताऊं, मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। ये छोटा सा पैलेस भी दिखाऊंगा आपको मैं। ये है शिवा विलास पैलेस, बहुत अच्छी लोकेशन है। और वाया बेल्लारी हो क्या हो गया, तो फिर तो कहना ही क्या, कहना ही क्या। मस्त खाने की मेकिंग चल रही है इधर, है तो सारा लोकल फूड ही, लेकिन खाना साफ है। मुझे आज फिर है ना, ये दाल चावल और प्याज को बोलते हैं इरुड़ी, इरुड़ी। ऑनियन को बोलते हैं इरली। और ये थोड़ा सा दही, अचार, पापड़, दाल चावल, पानी। यार मैं सोचा था रोटी मिल जाती, पर रोटी मिलेगी नहीं यार। चलो जैसा देश वैसा भेद, वैसा ही खान पान। लोकल लोगों से बात करके आपको ना जानकारी बहुत मिल जाती है। तो मैंने अभी जानकारी जुटाई इस शहर के बारे में, संदूर के बारे में। तो M.Y. घोलपोड़े जो हैं यहाँ के राजा रहे हैं। देश में काफ़ी ऐसे पैलेस हैं जो राजा महाराजाओं ने अपने जो उनको होटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और जो वो पूरा रास्ता दिखाया ना आपको, मैंने स्कूल दिखाया था, वो मैं जो कह रहा था गवर्नमेंट का, वो एक्चुअली गवर्नमेंट का नहीं है, वो राजा की ही प्रॉपर्टी है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ कुंडलगी, ये संदूर का मेन चौक। संदूर यहाँ से निकल गया, फिर से हम लोग पहाड़ी का रास्ता रहेगा, फिर से जंगल रहेगा, फिर से नेचर होगा। अब मैं संदूर से कुड़गुली के रास्ते पर हूँ और इस दौरान मुझे एक बहुत ही प्राकृतिक नज़ारा देखने को मिला।
उसी के पास में अंजना देवी अंजनाद्री के नाम से जगह है, उस पहाड़ पर ही भगवान हनुमान जी जो हैं उनका जन्म हुआ था, देखेंगे वो। मैं आ गया हूँ उबीना अड़गली। साउथ के मंदिरों का जो स्ट्रक्चर है, जो का डिजाइन है, ये अपने आप में मतलब अनूठी वास्तुकला है भगवान शिव। मिल गया दोस्तों, मिल गया मुझे आज फाइनली, मुझे ये अपना हरियाणा स्टाइल खाना मिलेगा। हरियाणा का ढाबा है ये, खाना लग गया है, तैयार हो गया। साढ़े नौ बज गए हैं, ठीक है, और मैं आपको अपना आज का स्टे दिखाता हूँ। बहुत ब्रिलियंट है, एकदम देसी है भाई। आज के डोम है ये वाला, मेरा डोम है, मैं इसको सोऊंगा।